मैम आज के दिन के बारे में बताएं जो आधार कैंप के बारे में। ये एक आधार सेवा केंद्र है जो आईटी डिपार्टमेंट ने जम्मू स्मार्ट सिटी और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ये किया है। आधार एक बहुत ही एसेंशियल सर्विस है आजकल, जो हम हर सर्विस, हर गवर्नमेंट स्कीम, हर चीज़ में आधार लिंकिंग करने की कोशिश करते हैं। तो एक इसका आइडिया यही है कि लोगों को कन्वीनियंटली टाइम बाउंड मैनर में और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में ये सर्विस प्रोवाइड कर पाएँ, उसका यही एक मेन मकसद यही है। और लोग यहाँ कन्वीनियंटली अपॉइंटमेंट लेके विद श्योरिटी के उनको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, एक ये सर्विस गारंटी यहाँ की जाएगी। जो हमें स्मार्ट सिटी का पहला तोहफा मिला है, क्योंकि जहाँ पे बैसाखी का मेला लगता था ठीक उसी स्थान पर आज केंद्र ने जो हमें तोहफा दिया है, लोगों को भरपूर लाभ लें। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। जय श्री राम। मैं शुएब खान, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से J&K प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। तो जो आज यहां पे सेंटर इनॉग्रेट हुआ है, आधार सेवा केंद्र, ऐसे सेंटर बाकी 41 सिटीज में भारत में ऑलरेडी चल रहे हैं। तो आज यहां पे जम्मू का आधार सेवा केंद्र स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाएंगी रेजिडेंट्स को, वो अपना नया एनरोलमेंट कर सकते हैं, अपने आधार में करेक्शन करवा सकते हैं। 0 से 5 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आके अपना आधार एनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा जिन रेजिडेंट्स ने 5 साल की उम्र हो चुकी है या 18 साल की उम्र हो चुकी है, वो अपने बायोमेट्रिक अपडेट भी यहाँ पर आके करवा सकते हैं, जो कि मैंडेटरी है। आपके माध्यम से मैं उन सबको बोलना चाहता हूँ कि अपना मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करवाए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनरोलमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अपडेट्स के लिए जो चार्जेस हैं वो 50 रुपये और 100 रुपये यहाँ पर जमा कर सकते हैं। जिन बच्चों ने आज तक आधार कार्ड बनाए हुए हैं उनके लिए क्या ऑप्शन रखा हुआ आपने? जिन बच्चों का बन चुका है, मैं वही कह रहा था, जिन बच्चों का बन चुका है और उनकी उम्र अब 5 साल की हो चुकी है या 18 साल की हो चुकी है, तो उनको अपना आधार एक्टिव रखने के लिए अपने पंजीकरण दोबारा करवाने पड़ेंगे, जिसको हम मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट कहते हैं। क्या सर उनका कार्ड नए सर से बनता है? नहीं, नंबर वही रहेगा, जो आधार नंबर है वो वही रहेगा। कार्ड उनके पास अगर आ चुका है तो वो भी सेम रहेगा, लेकिन उसको एक्टिव रखने के लिए अपना मैंडेटरी बायोमेट्रिक, जिसमें उसका आयरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट स्कैन दोबारा से करवाना होगा, वो यहाँ पर आके कर सकते हैं। और इसके अलावा पूरे J&K में इसके अलावा 500 से अधिक सेंटर ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन वो ऐसी स्मार्ट सेंटर्स नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल पहला सेंटर खुला है। दिक्कतें जम्मू में पीछे आई, क्योंकि आयुष्मान भारत जो कार्ड थे उनमें लोगों को जो फिंगर्स का इशू आया, बच्चे ऑलमोस्ट उसमें पंजीकरण नहीं कर पाए, तो क्या इसके लिए उसकी वजह ये होती है कि जैसे उम्र के साथ या कोई ऐसे तबके से काम करने वाले लोग जो होते हैं, लेबर होते हैं, या कोई स्किन का प्रॉब्लम होता है, तो उनके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो हट जाते हैं। तो उनका अगर आयुष्मान भारत के लिए उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं लग रहे हैं, तो उनको अपने किसी नज़दीकी आधार सेंटर पे जाके अपना बायोमेट्रिक अपडेट करवा देना चाहिए। और अगर उसके बावजूद भी अगर वो नहीं होता है, तो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हमें देखा गया कि जम्मू कश्मीर बैंक में मैक्सिमम जो आपके आधार सेंटर हैं वो लोगों के साथ तरीके से बात नहीं करते। देखिए, हमारी ग्रीवियंस सेल है, आप 1947 पे भी कॉल करके, कोई कंप्लेंट है वहाँ पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगर आपके कहीं भी कोई भी शिकायत आ रही है, 1947 पे कॉल करिए और अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज करा के हम उस पर देख लेंगे कोई क्या है।